कृषि विभाग ब्लॉक स्तरीय आमुखीकरण कार्यशाला पंचायत समिति झाड़ोल सभागार में हुई आयोजित कृषि विभाग ब्लॉक स्तरीय कृषि आमुखीकरण कार्यशाला पंचायत समिति झाड़ोल सभागार में आयोजित की गई, जिसमें झाड़ोल प्रधान राधा देवी की अध्यक्षता में संपन्न हुई। वहीं इस दौरान झाड़ोल विधायक बाबूलाल खराड़ी ने किसानों को जैविक बढ़ावा देने के बारे में जानकारी दी। उन्होंने बताया कि मानव स्वास्थ्य जैविक खेती के पैदावार से आय अधिक होती है। कृषि कार्य के दौरान मौत होने पर पोस्टमार्टम रिपोर्ट जरूरी होती है, जिससे सरकारी खानापूर्ति होने पर लाभ मिलता है। वहीं कार्यशाला विद्युत विभाग सहायक अभियंता ने विद्युत बिल माफ योजनाओं की जानकारी किसानों को संपर्क नंबर किसानों को लिखवाया। वहीं आमुखीकरण कार्यशाला पशु पालन विभाग उद्यान विभाग के साथ शिक्षा विभाग के CBO ने सरकारी योजनाओं के बारे में जानकारी देते हुए बताया कि आप बालक बालिकाओं को सरकारी विद्यालयों में प्रवेश करवाने में जनप्रतिनिधि सहयोग करें। साथ ही कस्तूरबा गांधी आवासीय विद्यालय में कक्षा 6 से 12 तक बालिकाओं के लिए छात्रावास संचालित है, जिसमें 100 सीटें रिक्त हैं, जिसमें अनुसूचित जनजाति जाति बालिकाओं को प्रवेश मिल सकता है। आमुखीकरण कार्यशाला में किसानों में उत्सुकता थी, इस प्रकार बैठक कोरम में नहीं आते हैं। कृषि विभाग अधिकारी ईमानदारी से काम कर रहे हैं, कृषि योजनाओं को घर तक पहुंचाने में मदद कर रहे हैं। झाड़ोल पंचायत समिति की करीब 15,000 किसानों को मक्का बीज भी आरक्षित वर्ग किसानों को वितरित किया गया।